नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आई में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दो यहां पे आप न्यूज पढ़ोगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा कि ईरान और रशियन नेवीज ने एक्सरसाइज किया नदर्न इंडियन ओशन में और आपको लग रहा हो कि हम लोग इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस जरूर करेंगे लेकिन हमारा मुद्दा इस डिस्कशन का यह रहेगा क्लासिक केस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस कैसे होती है क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की खबरें आ चुकी थी कि इंडिया या इंडियन नेवी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ज्वाइन कर रहा है और चाइना भी ज्वाइन कर रहा है और इमीडिएटली इंडियन नेवी ने क्लैरिफाई ने ने किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ज्वाइन नहीं हो रहे तो हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसी खबरें आई कि इंडिया ज्वाइन करने वाला है क्या था इंडियन नेवी ने का रवैया फाइनल न्यूज क्या है और इन सब चीजों से हमें क्या सीख मिलती है क्या अंदेशा लगा सकते हैं आगे चल के इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी ये सब बात करेंगे इस वीडियो में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेट अस बिगिन बट बिफोर दैट आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल ट्रिपल टू और एनी ऑफ द आईडीज आर गिवन हियर अपार्ट फ्रॉम दट स्टी आईक्यू हैज गॉट अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू दो यूपीएस ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड आर एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टडी आईक्यू राइट चलिए खबर के बारे में बात करते हैं इनिशियल न्यूज क्या थी इनिशियल न्यूज ऐसी थी कि जो ईरान रशिया का मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 जो uh, मैरिटाइम एक्सरसाइज है उसमें इंडिया इज गोइंग टू ट्वेंटी इनफैक्ट बहुत सारी न्यूज एजेंसी ने यह बता दिया कि इंडिया हैज ऑलरेडी ज्वाइन द टू डे नेवल एक्सरसाइज इनफैक्ट बहुत जगह पे ऐसे एडिटोरियल्स भी आ गए कि आफ्टर अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंगल प्लेटफॉर्म स्टैंड मे और जून दो हजार बीस में उस स्टैंड ऑफ के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया और चाइना एक प्लेटफॉर्म भी उनकी नेवीज को भेजेंगे और एक्सरसाइज में भाग लेंगे ऐसी खबरें आ रही थी शुरुआत में लेकिन कुछ ही दिनों बाद फाइनल खबर आई फाइनल खबर यह है कि रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन नेवी टेकिंग पार्ट इन द ईरान एंड रशिया मैरिटाइम ड्रिल इज कंप्लीटली फॉल्स इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन ने क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि नो वी आर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रिल एट ऑल राइट अब सवाल यह उठता है कि ऐसे खबरें क्यों आई ये बात करने से पहले इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा स्ट्रेटेजिकली क्योंकि जब भी अगर इंडियन ओशन में कोई डेवलपमेंट होती है तो हमें उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है हाल ही में हम लोगों ने अमन एक्सरसाइज के बारे में बात की थी जहां पर फिर से ईरान ने भेजे थे अपने पर्सोनल टू दी पाकिस्तान एक्सरसाइज और यहां पर ईरान और रशिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई और इस एक्सरसाइज में क्या हुआ ऑलमोस्ट 17000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये एक्सरसाइज हुआ जहां पे प्रैक्टिस हुई एयर टारगेट्स की शूटिंग एट सी की जो हाईजैक uh, शिप होते हैं उनको कैसे लिबरेट करते हैं रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कैसे करना है एंटी पेरेसी ऑपरेशन कैसे करना है रशियन नेवी और ईरानी नेवी के पर्सनल के बीच कोऑर्डिनेशन और नॉलेज शेयरिंग हुई इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें ऐसे

बताई ईरान के जो एडमिरल है गुलाम रेजा तहानी गुलाम तहानी ने अनाउंसमेंट की कि इंडियन नेवी ने रिक्वेस्ट किया है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं राइट इंडियन नेवी ने ईरान को रिक्वेस्ट किया कि वी वांट टू ज्वाइन द इंडिया रशिया जो द मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज राइट और इंडियन नेवी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं ईरान की तरफ से हमें इन्विटेशन आया था जरूर लेकिन हम लोगों ने नकार दिया है ईरान के जो नेवी चीफ है रियर एडमिरल हुसैन खानजादी हुसैन खानजादी ने कहा कि इंडियन नेवी इज जॉइनिंग आर एक्सरसाइज ऑलरेडी एंड ही आल्सो हेल्ड दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवीज इन द रीजन करिए तो इसलिए हमारे सारे न्यूज एजेंसी में आपने न्यूज भी देखा होगा कि इंडिया इज ज्वाइनिंग दी ईरान रशिया मैरिटाइम एक्सरसाइज राइट

चीफ रियर एडमिरल है हुसैन खानजादी स्टेटमेंट दिया कि इंडियन नेवी वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट नेवी है इंडियन नेवी ज्वाइन कर रही है उसके साथ ही साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया उन्होंने कहा कि चाइना विच ऑल्सो टुक पार्ट इन सिमिलर एक्सरसाइज इन दिसंबर टू चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन दीज मेनुअर्स आफ्टर द चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे इंडिया और चाइना आएगा कुछ इस तरह का अंदेशा दिया गया और मैंने इसलिए कहा कि बहुत सी जगह पे ऐसे एडिटोरियल्स भी आ गए थे कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस लेकिन दैट डिड नॉट हैपन इंडिया डिड नॉट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज राइट अब एक तो ये रीजन हो सकता है कि जो खानजादी का स्टेटमेंट आया था कि चाइना भी जॉइन करेगा तो चाइना इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म वेन द स्टैंड ऑफ इज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी मंथ्स अ लिटिल इम्पॉसिबल थिंग राइट इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की जिस तरह का स्टेटमेंट आया था हुसैन खानजादी का उन्होंने एंड में कहा क्लियर कट इंडिकेशन था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ईरान और रशिया दोनों के भी रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे नहीं है तो ये जो एक्सरसाइज था ईरान और रशिया का ये, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जरूर था शो ऑफ स्ट्रेंथ का स्पेशली अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स एलाइज अब इंडिया को बात करें इंडिया एलाई नहीं कह सकते लेकिन एक मेजर पार्टनर जरूर है यूनाइटेड स्टेट्स का तो पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है ये दो रीजन हो सकते हैं एक तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट एंड द अदर इन्वॉल्वमेंट वुड बी एंटी यूएस सेंटिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज माइट बी द टू रीजन बिकॉज ऑफ विच वी डिड नॉट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग लेकिन इन सब चीजों से हमें एक डेवलपमेंट जरूर मिलती है एक नॉलेज जरूर मिलती है ये क्या है कि एक तरफ इंडिया और यूएस पार्टनरशिप गहरी होती जा रही है और दूसरी तरफ ईरान रशिया और पोटेंशियली मैं कह सकता हूं कि ईरान रशिया चाइना पाकिस्तान टर्की का एक एक्सेस डेवलप हुआ अगर हम लोग ईरान और रशिया के रिलेशन की बात करें जब से यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के रिलेशन खराब हुए स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रंप एरा तब से ईरान और रशिया के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं इनफैक्ट ईरान और रशिया के जो कोऑपरेशन है वो डिफेंस फील्ड से इकोनॉमिक्स फील्ड में भी जा चुके हैं और पिछले साल तो जो ईरान के एम्बेसडर है पाकिस्तान में सैयद मोहम्मद अली वो तो काफी ज्यादा न्यूज में आ गए थे क्योंकि पिछले साल उन्होंने एक आइडिया बताई थी उन्होंने प्रपोज किया था एक अलायंस इन देशों का ईरान पाकिस्तान टर्की रशिया और चाइना का एक अलायंस प्रपोज किया था राइट सो so, ज क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो मैं ये नहीं कहता कि अलायंस बन गया लेकिन सम सॉर्ट ऑफ एक्सेस इज डेवलपिंग इंडियड बिटवीन दीज कंट्रीज राइट सो इसके ऊपर इंडिया को नजर रखनी चाहिए क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें इंडिया और ईरान के रिलेशन हैव बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा जब से ट्रंप जेसीपीओ से बाहर निकले तब से इंडिया और ईरान के रिलेशन भी डाउन हिल चल रहे इंडिया रशिया के रिलेशन भी एक्चुअली डाउन हिल चल रहे क्योंकि इंडिया ने एक टिल्ट दिखाया की, की तरफ मेनली बिकॉज ऑफ चाइना बट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डाल सकता वी कैनॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन यूएसए इसीलिए मल्टीपोलरिटी या मल्टीपोरऑल फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर इसमें कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई क्योंकि दट इज इट फॉर माई सर ऑन दिस पार्ट डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद